यस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म गाइस, इज माय वॉइस ऑडिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म, इज माय वॉइस ऑडिबल गाइस? जल्दी से एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी वॉइस क्लियर है। हाय ध्रुव, हाय तुषार, हाय अनुज, डू शेयर द लिंक ऑफ द सेशन गाइस। जल्दी से आप लोग एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? हाय केशव, हाय राजकुमार, हाय काजल, डू शेयर द लिंक ऑफ द सेशन गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है? सो जैसे कि आप लोगों को टाइटल दिखाई दे रहा होगा और थंबनेल पे भी दिखाई दिया होगा, सो हम लोगों ने एक प्लान किया है 99% क्लब जो चैनल है, ठीक है, उस पर। तो इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कैट 2022 में 3 स्लॉट्स में पेपर हुआ था, ठीक है, कैट 2022 में 3 स्लॉट्स में पेपर हुआ था, उन तीनों स्लॉट्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे सेक्शन वाइज, ठीक है। जैसे क्वांट में आपको पता है अर्थमेटिक भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, अलजेब्रा भी आता है, मॉडर्न मैथ्स भी आता है, नंबर सिस्टम भी आता है, तो वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने कैट 22 का स्लॉट 1 का कंप्लीट अर्थमेटिक लिया है, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट अलजेब्रा ले लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट ज्योमेट्री ले लेंगे, तो इस तरह से हम लोग ये चीजें कवर कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। एंड चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट तो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, अगर आप लोग कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो, इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट 2023, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है, 23rd जुलाई को हम लोगों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसको हम लोगों ने AIMT बोला है, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा उसका, 12 बजे होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल कैट पैटर्न पे होगा, जिस तरह का पेपर कैट में आता है, 2 घंटे होंगे आपके पास, 66 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और हर सेक्शन के लिए आपके पास 40 मिनट्स होंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट में आप लोग जरूर अपना एनरोलमेंट करें, ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा ये तो सब्सक्रिप्शन के बारे में, ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों का आया था, अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, मतलब देर वर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक इन स्लॉट 1, स्लॉट 1 में 8 से 9 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, ठीक है। As you wish guys, मतलब if you guys want कि यार सर आप analysis कराओ तो मैं analysis करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो पता नहीं किसका schedule होगा analysis, but फिर उसका कुछ और solution देख लेंगे, मैं कहीं special class में YouTube session free में इस तरह से करा दूंगा, ठीक है। चलो Mr. Pintu invest 1/5, ठीक है, एक मिनट, यस ये है ना क्वेश्चन, मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट 6% इंटरेस्ट, 1/3 एट 10% इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग 1% ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स इक्वल और एक्सीड्स हिज इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ठीक है, उसके कैपिटल के इक्वल या उसको एक्सीड कर जाएगा कितने मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स में, ठीक है। और कम्युनिटिव इंटरेस्ट बोला है, कम्युनिटिव इंटरेस्ट ये है यानी कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा दूसरे साल के इंटरेस्ट में, कम्युनिटिव का मतलब पुरानी चीजें भी ऐड होती रहती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल, मतलब जो उसकी कैपिटल है उसका 1/5 भी निकालना है आप लोगों को, इस कैपिटल का 1/5 भी निकालना है एट 6%, ये किस रेट पे इन्वेस्ट किया इसने 6% पर, 1/3 इसमें से 1/3 निकालो जरा, इसमें से 1/3 निकालो, वो 10% पर इन्वेस्ट किया एंड द रिमेनिंग जो बचा हुआ है, ठीक है, इसका 1/5 निकाला, 1/3 निकाला, ठीक है, और रिमेनिंग जो है हमारे पास उसने वो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास सामने यहां पर आता है वो ये आता है कि हम लोग ना यहां पर इसको टोटल जो कैपिटल है पिंटू का वो कुछ अज्यूम करें, ठीक है, पिंटू का जो टोटल कैपिटल है हम उसको कुछ अज्यूम करें। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी अज्यूम करने वाली बात आती है बच्चा एक्स अज्यूम कर लेता है, तो एक्स अज्यूम ना करके एक ऐसा नंबर अज्यूम किया जाए जो 5 और 3 दोनों का मल्टीपल हो, क्योंकि मुझे इस कैपिटल का 1/5 भी निकालना है और 1/3 भी निकालना है, तो ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लो, 5 और 3 कितना आएगा, 15 आएगा, हमें परसेंटेज भी निकालना है तो 15 के साथ साथ मैं उसको 100 का मल्टीपल भी मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया उसको 1500। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है, ठीक है। हाँ
ठीक है, ये बात समझ में आने लग रही है। 1500 का वन फिफ्थ कितना होगा, 300 होगा। 1500 का वन थर्ड कितना होगा, 500 होगा। 500, 300, 800 और यहां पर कितना आएगा, 700 आएगा। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों। यदि आप 300 रुपीज इन्वेस्ट करते हो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 300 का 1% होता है 3, 6% कितना आएगा, 18 आएगा। 500 का 10% कितना आएगा, 50 आएगा। 700 का 1% कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, देखो जरा कितना बन गया हमारे पास, ऐड करके 15 प्लस 18 68 प्लस 7 75। तो एक साल का जो इंटरेस्ट आने लग रहा है वो 75 आने लग रहा है। एक साल का जो इंटरेस्ट आने लग रहा है वो 75 आने लग रहा है। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे था। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट पे था। इसने हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल मैंने उसका कितना अज्यूम किया, अगर आप लोग देख रहे हो तो इनिशियल कैपिटल मैंने उसका कितना अज्यूम किया है, 1500 अज्यूम किया है। तो 1500 रुपीज उसको कितने साल में अचीव हो जाएंगे, यदि उसको हर साल 75 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1500 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, एक साल का इन्वेस्टमेंट 75 है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 20 ईयर्स। यह आ जाएगा हमारे पास 20 ईयर्स। तो इट टेक्स 20 ईयर्स। ठीक है, उसको 20 साल लगेंगे ये काम करने में। ठीक है, 20 साल लगेंगे जितना उसने इन्वेस्ट किया था उतना इंटरेस्ट अर्न करने में उसको। यहां तक की बात क्लियर है क्या आप लोगों को, जल्दी से बताओ जरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेसिक्स पढ़े हुए तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन फ्री के 3 मार्क्स बोलूंगा मैं इनको। ठीक है, चलो ये देखो जरा, ये देखो, इसको ट्राई करो एक बार। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो। अबे इधर आ जा भाई, टाइम बढ़ा देते हैं थोड़ा, वरना तुम लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, सेकंड्स कहाँ आती होंगी, सेकंड्स यहाँ आती होंगी ना, तो अपन लोग सेकंड्स पे काम करेंगे ना। You have 90 seconds guys. आपके पास 90 seconds का समय है। ठीक है, टाइमर चला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। छुट्टी हो गई यार, चलो बंद हो जा भाई। चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ 6 आवर्स आई थिंक सही आंसर है आपका। ठीक है, चलो देखो। वर्किंग अलोन
वर्किंग अलोन द टाइम्स टेकन बाय अनु तनु एंड मनु, ठीक है, अकेले काम करते हुए जो उनको टाइम लगेगा टू कंप्लीट एनी जॉब आर इन द रेशो 5:8:10, किसी भी काम को कंप्लीट करने में जो उनको इंडिविजुअली टाइम लग रहा है उन तीनों को, वो कितना है 5:8:10 है, अनु तनु एंड मनु, इनके टाइम का रेशियो कितना है 5:8:10, ठीक है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं मैं, बट अभी देखता हूं कि उस चीज की जरूरत भी है मुझे या नहीं है, ठीक है, उस चीज की मुझे नीड भी है या नहीं है, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालने की देखेंगे अभी। दे एक्सेप्ट अ जॉब विच दे कैन फिनिश इन 4 डेज इफ दे ऑल वर्क टूगेदर फॉर 8 आवर्स पर डे, यदि वो तीनों के तीनों डेली 8 आवर्स काम करते हैं, ठीक है, यहां पर आवर्स का जिक्र हुआ है, बात ध्यान रखना, यदि वो तीनों के तीनों डेली 8 आवर्स काम करते हैं तो कोई काम है उनके पास जो 4 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे हाउएवर अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 डेज, ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है, अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स 40 मिनट्स पर डे, डेली वो 6 आवर 40 मिनट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, then the number of hours that Manu will complete to take, Manu will take to complete the remaining job working alone is, ठीक है, मतलब तीनों मिलके किसी काम को यदि डेली 8 घंटे काम करेंगे तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो काम निकालना है, मैंने आपको शुरू से बताया है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा यदि आप टोटल वर्क और वन डे वर्क को अज्यूम कर लेते हो। तो टाइम का रेशियो 5:8:10 है, तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, कभी भी अगर 3 रेशियो का रिवर्स निकालना है, जैसे 3 रेशियो है ना, इनका रिवर्स निकालना है तो इनका रिवर्स 10:8:5 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, कहते हैं 5:8:10 को उल्टा कर दो 10:8:5, ये इनका ये नहीं होगा भाई इनका, मैं आपको पहले ही बताता हूं, ठीक है, ठीक है, हाँ, इनका अगर रिवर्स निकालना है, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, ये सभी को पता है, तो टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। तो 3 रेशो का अगर रिवर्स रेशो निकालना है तो इन तीनों का एलसीएम निकालो सबसे पहले। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5:8:10 इज 40, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 40 बनाने के लिए 8 से, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं 40 बनाने के लिए 5 से, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं 40 बनाने के लिए 4 से, तो ये इनका रिवर्स रेशो आ गया, ठीक है, ये इनका रिवर्स रेशो आ गया, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40, प्रोडक्ट हर जगह सेम आना चाहिए। अगर आप पहले वाला रिवर्स ले रहे थे ना 10:8:5, तब प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा था, ठीक है, तब प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा था, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां तक, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशो आ गया, यहां से मैं मान लेता हूं जो अनु है वो 1 घंटे में 8 यूनिट्स बनाता है, 1 आवर में, 1 आवर, क्योंकि यहां पर आवर्स का जिक्र किया गया था। जो तनु है वो 1 घंटे में 5 यूनिट्स बनाती है, जो मनु है वो 1 घंटे में 4 यूनिट्स बनाता है, तो तीनों ने 4 दिन में काम खत्म कर दिया वो काम जिसको उन्होंने डेली 8 घंटे किया है। तो तीनों का एक दिन 1 घंटे का काम कितना है, तीनों का एक घंटे का काम है ना, जल्दी से बताओ, 8 + 5 = 13 + 4 = 17, तीनों का 1 घंटे का काम 17 हो गया क्या, तीनों ने डेली 8 घंटे काम करा है तो उनका 8 घंटे काम कितना हो जाएगा 17 × 8, और 4 दिन में काम ही खत्म कर दिया, जस्ट मल्टीप्लाई बाय इट 4, सो दिस इज अवर टोटल वर्क। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, बताओ जरा, तीनों एक घंटे में 17 यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, और डेली 8 घंटे काम किया था उन्होंने, तो 1 घंटे में 17 यूनिट्स, तो 8 आवर्स में 17 × 8, और 4 डेज में काम ही फिनिश कर दिया, तो × 4, सो दिस इज माई टोटल वर्क यूनिट्स की टर्म में, ठीक है, दिस इज माई टोटल वर्क इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बोला जा रहा है हाउएवर अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर, अब देखो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है यदि अनु और तनु 6 दिन काम करें और डेली 6 आवर 40 मिनट्स काम करें, ठीक है, 6 आवर 40 मिनट्स काम करें, ठीक है, तो बचा हुआ काम मनु कितने दिन में कंप्लीट करेगा, देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब वर्किंग अलोन इज, ठीक है। सबसे पहले जरा मुझे बताओ, अनु और तनु, अनु का एक दिन का काम कितना है 8, और तनु का एक दिन का काम कितना है 5, अनु का एक दिन का काम 8 है, तनु का एक दिन का काम 5 है, एक 1 आवर का, ठीक है, अनु का 1 आवर का काम कितना है 8 है, और तनु का 1 आवर का काम कितना है 5 है,
सो दोनों का एक घंटे का काम कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स, ठीक है। और उन्होंने 6 दिन काम किया, इसको बाद में देखेंगे, बट डेली वो 6 आवर 40 मिनट्स काम करते थे, ठीक है। डेली वो 6 आवर 40 मिनट्स काम करते थे, ठीक है। डेली वो 6 आवर 40 मिनट्स काम करते थे, ठीक है। तो 6 आवर 40 मिनट्स, 6 आवर 40 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो, 40 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6 2/3, 6 2/3 आवर्स, तो 6 × 3 18 + 2 20, 20/3 आवर्स, 20/3 आवर्स उन्होंने काम किया, ठीक है। डेली एक घंटे में 13 आवर्स करते हैं, डेली 20/3 आवर्स काम किया और 6 दिन तक काम किया, तो वो इतना काम कर लेंगे ना, 6 दिन तक काम किया, डेली 6 आवर 40 मिनट्स काम किया, 6 आवर 40 मिनट्स होता है 20/3 और एक घंटे में 13 यूनिट्स बनाते हैं, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट गाइस, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13 × 40, 13 × 40 कितना आ जाएगा हमारे पास 520 यूनिट्स आ जाएगा। ये कितना आ रहा है यहां पर जरा देखना, 32 × 17, 17 × 32, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को, ठीक है। 640 में से 96 माइनस कर लेना तो 540, 544, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 544 यूनिट्स है, टोटल वर्क हमारे पास 544 यूनिट्स है। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, जल्दी से बताओ कैसे मैंने टोटल वर्क निकाला उनका। वन डे वर्क ऑलरेडी गिवन था मुझे, वन डे वर्क मुझे ऑलरेडी गिवन था, कैसे मैंने यहां से टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क जो है हमारे पास वो क्या होगा, इनका एक घंटे का काम तीनों का, इसको वन आवर का काम माना है मैंने आज। यूजुअली मैं क्या करता था, वन डेज का मानता था जब वहां पे डेज होते थे, बट यहां पर आवर्स का जिक्र हुआ तो मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। एक घंटे का काम अनु का, एक घंटे का काम तनु का, एक घंटे का काम मनु का, तीनों का एक एक घंटे का काम कितना हो गया 17 यूनिट्स हो गया। तीनों ने 8 दिन में काम खत्म करा, डेली 8 घंटे काम करके, एक घंटे का काम 8 से मल्टीप्लाई करा इनका 8 घंटे का काम, 4 से मल्टीप्लाई करा इनका 4 दिन का काम, तो 544 यूनिट्स टोटल वर्क है। अब इस 544 यूनिट्स को कैसे बना रहे हैं वो लोग, शुरुआत के 6 दिन सिर्फ अनु और तनु काम करने आ रहे हैं और वो डेली 6 आवर 40 मिनट्स काम कर रहे हैं, तो अनु और तनु का एक घंटे का काम कितना है 13 है, डेली वो 6 आवर 40 मिनट्स काम कर रहे हैं, 6 आवर 40 मिनट्स इज 20/3, 13 को 20/3 से मल्टीप्लाई करा उनका 6 आवर 20 मिनट्स का काम आ गया, और उन्होंने 6 दिन तक ऐसे किया तो इनटू 6 इसको सॉल्व करके आया 520, तो आउट ऑफ 544 यूनिट्स 520 यूनिट्स बन गई हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना आने लग रहा है मेरे पास, रिमेनिंग वर्क कितना आने लग रहा है 24 यूनिट्स आने लग रहा है, रिमेनिंग वर्क कितना आने लग रहा है 24 यूनिट्स आने लग रहा है, ठीक है। अब ये रिमेनिंग वर्क किसको करना है जरा ये भी बताओ, ये रिमेनिंग वर्क किसको करना है जरा ये बताओ ना, एक मिनट, एक मिनट रुकोगे क्या, मुझे ना, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है 24 यूनिट्स। अब हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब वर्किंग अलोन। मनु एक घंटे में कितना काम करता है, 4 यूनिट बनाता है, तो 24 यूनिट्स कितने घंटे में बनाएगा, तो 24 यूनिट्स एक घंटे में 4 यूनिट, 6 घंटे में वो बचा हुआ काम कर देगा, 6 आवर्स में वो रिमेनिंग वर्क कर लेगा, ठीक है। बताओ जरा 6 आवर्स में वो रिमेनिंग वर्क कर लेगा, यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। सर मनु 6 डेज काम नहीं करेगा क्या, वो पूरा 624 यूनिट्स एक ही दिन में करेगा क्या? अरे भाई जब वो एक दिन में बना सकता है, 24 यूनिट बनानी है, एक घंटे में 4 यूनिट बनाता है, उसका एक घंटे का काम है ना, तो 6 घंटे में काम खत्म कर लेगा। उसने तो पूछा भी नंबर ऑफ आवर्स ही है, नंबर ऑफ डेज थोड़ा ही पूछा है। सत्या प्रकाश, अपने ज्ञान का प्रकाश चलाओ जल्दी से, ठीक है। क्लियर है बात, यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर है क्या, जरा मुझे बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लगेगा 6 आवर्स ही, अब वो चाहे कितने दिन में करे, हाँ सही बात है, लगेगा 6 आवर्स ही भले वो कितने दिन में करे, दिन पूछे ही नहीं वैसे वहां पे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। इट मीन्स जिन लोगों का आंसर आया वो कितने कम टाइम में आंसर निकाल पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट का पोल एक्टिव किया था, यहाँ पर टाइमर एक्टिव किया था, और फिर भी देखो उन लोगों ने कितने जल्दी चीजें निकाल ली है। बहुत ही बढ़िया भाई। एंड टाइम्स अप, ठीक है चलो। इन एन इलेक्शन, आगे देखते हैं जरा, ठीक है। इन एन इलेक्शन देर वर फोर कैंडिडेट्स, ठीक है, देर वर फोर कैंडिडेट्स, ठीक है। इन एन इलेक्शन देर वर फोर कैंडिडेट्स, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, ठीक है। There were four candidates and 80% of the registered voters casted their votes. ठीक है, चार candidates हैं और जितने भी registered voters हैं उनके 80% लोगों ने वोट कास्ट किया है। 80% of the registered voters casted their votes. One of the candidate received 30% of the casted votes, while the other three candidates received the remaining casted votes in the proportion 1-3. If the winner of the election received 2512 votes more than the candidates with the second highest votes, then the number of registered voters, registered voters तो अपने को निकालने ही है, ठीक है, और registered voters का 80% लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो registered votes, voters को आप कुछ मान लीजिए। For example, आपने registered voters को 100 मान लिया, अभी के लिए 100 मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स। इसका देर आर फोर कैंडिडेट्स, वन सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट और फोर्थ कैंडिडेट, ठीक है। पहले कैंडिडेट को 30% मिला कास्टेड वोट्स का। अब वोट कास्टेड कितना हुआ है जी, वोट कास्ट कितना हुआ है, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स, ठीक है। तो यहां से इसको हटाना पड़ेगा जरा भाई, यार ये कभी कभी तो आ जाता है, तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। ये तो रजिस्टर्ड वोटर्स है, इसमें से वोट कास्टेड कितना हुआ है, वोट कास्टेड कितना हुआ है 80%, तो इसका 80% आएगा 80, ठीक है। अब ये चार लोगों को वोट्स मिला है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक बंदे को मिला है रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट्स, कास्टेड वोट्स ये है, इसका 30% कितना आएगा, 24 आएगा। बाकी जो हमारे पास तीन कैंडिडेट्स हैं, बाकी जो हमारे पास तीन कैंडिडेट्स हैं उनको जो वोट्स मिला है वो 1-3 के प्रोपोर्शन में मिले, बाकी जो उनको वोट्स मिले हैं 1-3 के प्रोपोर्शन में मिले हैं क्लास के बाद, ठीक है। अब हाँ फिलूंगा, तो बाकी जो तीन है ए बी सी, उनको जो वोट्स मिले हैं वो 1-3 के रेशियो मिले हैं, 1-3 के रेशियो मिले हैं। आप इस चीज को ऐसे सोचिए जरा, ठीक है, 80 में से एक बंदे को 24 वोट्स मिल गए, बाकी तीनों को जो वोट्स मिले हैं 1-3 के रेशियो मिले हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको 1x वोट्स मिले हैं तो इसको 2x मिले हैं, इसको 3x मिले हैं, इसको 1x वोट्स मिले हैं तो इसको 2x, इसको कितना 3x, तीनों को मिला के कितना वोट्स मिला है 6x, तीनों को कितना वोट्स मिला है मिला के 6x, 80 में से 24 तो वोट्स ही ले गया, तो बचा कितना हमारे पास 56 वोट्स बचा, तो 56 हमारे अकॉर्डिंग है और रेशो के अकॉर्डिंग 6x है, तो 6x बराबर 56 है, x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 28/3, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 28/3। बताओ जल्दी से जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, ठीक है। जैसे ही x का वैल्यू 28/3 आया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत है। विनर कौन होगा हमें ये बताना है ना, क्योंकि हमें ये मालूम है इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट वोट्स, ठीक है। जो विनर है उसको 2512 वोट्स ज्यादा मिला है सेकंड हाईएस्ट वाले से, तो विनर और सेकंड हाईएस्ट हमें निकालना है, यही तो हमारा काम है। अब ध्यान से देखो जरा, x का वैल्यू 28/3 है, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 28/3, इससे इसको 28, इन तीनों को जो वोट्स मिला था वो 1-3 के रेशियो मिला था, यानी कि सबसे ज्यादा वोट्स तो इसको मिला था, सी को कितना आया, उसका वैल्यू 28 आया, ये 28 आया है, ठीक है, ये 28 आया और ये 24 है, ये 28 आया और ये 24 है, तो ये विनर हुआ, ये सेकंड हाईएस्ट वाला हुआ, ये विनर हुआ, ये सेकंड हाईएस्ट वाला हुआ।
अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है तो आप 2x का वैल्यू भी निकाल सकते हो। x का वैल्यू 28/3 है, ठीक है, x का वैल्यू 28/3 है, तो हमारे पास 2x का वैल्यू कितना होगा, 28/3 इंटू 2 56/3 होगा, और 56/3 लगभग सॉल्व करके 18/2/3 आएगा। तो ये वोट्स आ रहे हैं 18/2/3, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है वो विनर में और सेकंड हाईएस्ट वाले में दिया हुआ है, तो विनर 28 वाला हुआ, सेकंड हाईएस्ट वाला 24 वाला हुआ, डिफरेंस आ रहा है 4, एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 2512, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2512/4, ठीक है, यहां से इसे 6 से उड़ाओ, 4 6 आएगा हमारे पास, यहां पर 1 आया 1, 6 इंटू 2 4 इंटू 2 आएगा 8, 3 2 6 टू 8 आ रहा है, रेशियो के 1 का वैल्यू 6 टू 8 आ रहा है। रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे अकॉर्डिंग 100 थे, यदि 1 का वैल्यू 6 टू 8 है तो 100 का वैल्यू 6 टू 8 00 होगा, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी बताओ जरा, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है क्या? चलो अगर यहां तक की स्टोरी क्लियर है तो मूव करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी इसको देखो जरा, चलिए देखो जरा 4400 आ रहा है आई थिंक सही आंसर, ठीक है, यस 4400 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मनु अर्न्स 4000 पर मंथ एंड वांट्स टू सेव एन एवरेज ऑफ 550 पर मंथ इन अ ईयर, ठीक है, मनु अर्न्स रुपीज 4000 पर मंथ एंड वांट्स टू सेव एन एवरेज ऑफ 550 पर मंथ इन अ ईयर, ठीक है, 4000 रुपीज उसकी इनकम है एंड वांट्स टू सेव एन एवरेज ऑफ 550 पर मंथ इन अ ईयर, और वो हर महीने 550 रुपीज सेव करना चाहती है, ठीक है, इन द फर्स्ट 9 मंथ्स हिज मंथली एक्सपेंस वाज 3500,
शुरुआत के 9 मंथ्स में, फर्स्ट 9 मंथ्स हिज मंथली एक्सपेंस वॉज 3500। किसी की इनकम 4000 है, उसमें से उसका एक्सपेंस 3500 है, तो उसकी सेविंग्स कितनी होंगी जल्दी से बताओ। उसकी सेविंग्स कितनी होंगी, 500 रुपीज पर मंथ होंगी क्या? उसकी सेविंग्स 500 रुपीज पर मंथ होंगी क्या? कोई आदमी 4000 रुपीज अर्न कर रहा है और 3500 रुपीज वो एक्सपेंसिव है उसके, तो 500 पर मंथ उसकी सेविंग हुई। ये 500 रुपीज पर मंथ उसकी सेविंग हुई कितने मंथ के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो 9 मंथ्स में उसने कितना सेव कर लिया? 500 इंटू 9 विच इज 4500। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसको पूरे साल में कितना सेव करना है? 550 इंटू 12 कितना होता है? 6600 होता है। बात का ध्यान रखिएगा, उसको पूरे ईयर में 6600 रुपीज सेव करने हैं। एंड ही फोरसीज दैट 10 मंथ ऑनवर्ड्स हिज मंथली एक्सपेंसेस विल इंक्रीज टू 3700। ठीक है, उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, अगले महीने से, 10th मंथ से वो 3700 हो गए, यानी कि अब वो 3700 रुपीज क्या कर रही है? खर्च कर रही है। इन ऑर्डर टू मीट हिज ईयरली सेविंग टारगेट, उसका ईयरली सेविंग टारगेट कितना है? 6600 का है। His monthly earnings in rupees, ठीक है, His monthly earning in rupees from the 10 months onwards should be, उसके 10th month से, from 10th to 12th, 3 months होते हैं, इस 3 months में उसको कितना save करना चाहिए, कितना earning करना चाहिए, जिससे उसका ये yearly saving target भी पूरा हो जाए और उसके 3700 का expenses भी पूरा हो जाए। ठीक है, चलो, आउट ऑफ 6600 4500 रुपीज की सेविंग्स हो चुकी हैं, तो कितना सेविंग्स बची है? 2100 रुपीज की। ये कितने महीने में करनी है 2100 रुपीज की सेविंग्स? 3 महीने में। तो 2100 3 महीने में करना है, यानी कि हर महीने 700 रुपए सेव करना है उसको, जिसमें से उसका 3700 रुपीज क्या है? मंथली एक्सपेंस है। तो 3700 और 700 इसमें और एड कर लो, यानी कि उसको हर महीने 4400 रुपीज अर्न करने पड़ेंगे, जिसमें से 3700 उसका एक्सपेंस निकल जाएगा, 700 रुपए अगले 3 महीने के लिए, 10th मंथ में भी 700 रुपए सेव किया, अगले महीने भी, उससे अगले महीने भी, तो ये ओवरऑल जाके बन जाएगा हमारे पास कितना? 6600। ठीक है, दिस वॉज अ रियली अ कलंक ऑन द नेम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बात यहां तक की स्टोरी समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? ये बताओ जल्दी से मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। या ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन इजी हैं, अब तक दिख रहा होगा तुम्हें, है ना?
जस्ट अ मिनट गाइस, चलो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। कितना आया? 5:6। चलो देखते हैं। There are two, actually में ये क्वेश्चन है मिक्सचर्स का, ठीक है? ये मिक्सचर्स का क्वेश्चन है। There are two containers of the same volume, दोनों का सेम वॉल्यूम है, मतलब दोनों की जो कैपेसिटी है वो सेम है। फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड द सेकेंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, ठीक है? जो फर्स्ट कंटेनर है अपना, ठीक है, वो हाफ फिल्ड है शुगर सिरप से और सेकेंड कंटेनर हाफ फिल्ड है मिल्क से, ठीक है? हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकेंड कंटेनर and then the half of this mixture is transferred back to the first container. Next half of half the content of the first container is transferred back to the second container. Then the ratio of sugar syrup and milk in the second container is. आप proper इस question को feel लेके भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, नहीं इतना कोई problem नहीं है, ठीक है? मान लो हमें बार बार half करना है ना, ठीक है? हमें बार बार half करना है। तो मैंने देर आर टू कंटेनर्स, फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर। मैंने पहले वाले कंटेनर का भी जो हमारे पास वो है ना कैपेसिटी है वो 16 लीटर मान लिया, ठीक है? और इसका भी 16 मान लिया, पूरे पूरे कंटेनर का कैपेसिटी है ये पूरे कंटेनर का कैपेसिटी है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर, हाफ फिल्ड है शुगर से, तो इसमें शुगर कितना है, इसमें शुगर कितना है, शुगर इसमें शुगर 8 होगा, होगा ना शुगर 8। सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, इसमें मिल्क है और ये हाफ फिल्ड है मिल्क से, इसमें मिल्क कितना है 8। ये बात समझ में आ गई, पूरा कैपेसिटी 16 है, पूरा कैपेसिटी 16, शुगर 8 मिल्क 8। हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर, इसका आधा कंटेंट, इसका आधा कंटेंट कितना होगा, 8 में से 4 गया तो रिमेनिंग 4 बचा, ठीक है? रिमेनिंग 4 बचा, ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है? हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, इसका हाफ किया 4, इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर। अब वो बचा हुआ 4 इधर ट्रांसफर हो गया है, तो इधर मिल्क था और शुगर भी आ गया, ठीक है? मिल्क था और शुगर भी आ गया, शुगर कितना आ गया, 4 आ गया, तो सेकंड कंटेनर में मिल्क भी आ चुका है और शुगर भी आ चुका है, कितना हो चुका है, मिल्क और शुगर का रेशियो अगर मैं यहां से देखता हूं तो कितना आ रहा है, ये 8 और 4, 2:1 आने लग रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है? अभी आपको यह भी समझ में आएगा कि 16 क्यों माना था अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है? यहां तक की स्टोरी क्लियर है? हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर, इसका आधा कंटेंट मैंने सेकंड कंटेनर शिफ्ट कर दिया, 8 का आधा होता है 4, 4 यहां पर आ गया, शुगर मिल्क 8 था, तो मिल्क और शुगर का रेशो आ गया 2:1। देन हाफ ऑफ दिस मिक्सचर, हाफ ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। अब ये मिक्सचर कितना है, 12 का है, ये 12 क्वांटिटी हो गई ना, 12 का आधा कितना होता है 6, 12 का आधा कितना होता है 6, तो यहां पर जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 6, जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 6, 6 में मिल्क और शुगर, क्योंकि 2:1 के रेशियो में मिल्क और शुगर 2:1 के रेशियो में है, 12 में से 6 निकला तो वो भी 2:1 के रेशियो में निकलेगा, तो मिल्क निकलेगा 4 और शुगर निकलेगा 2, तो बचा हुआ भी मिल्क 4 होगा और बचा हुआ शुगर भी 2 होगा, क्योंकि 8 में से 4 मिल्क इधर आ गया, ठीक है? 8 में से 4 मिल्क इधर आ गया, है ना? टोटल 8 मिल्क था ना, 8 में से 4 मिल्क बचा, 4 में से 2 शुगर बचा, ये 4 मिल्क इधर आ गया, तो मिल्क इधर कितना आ गया जल्दी से बताओ, मिल्क इधर हो गया 4, शुगर कितना है उधर से 2 वापस आ गया, शुगर 2 इधर एड कर दो, तो अब यहां पर मिल्क और शुगर के रेशियो की अगर बात करता हूं तो आने लग रहा है 4:6, जिसको हम लोग 2:3 भी बोलते हैं, ठीक है? वो बाद की बात है, ठीक है? यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ पहले, ठीक है? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, 4 था और 6 वापस आ गया, ठीक है? उधर कितना बच रहा है, ठीक है? उधर कितना बच रहा है हमारे पास,
छह बच रहा है, इधर कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, 16 होना चाहिए टोटल क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी हमारा सेम रहना चाहिए वो, क्योंकि हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर डालते जा रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकाल के फेंक रहे। यहां तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट, हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर। अब फर्स्ट कंटेनर में कितना है, मिल्क 4 है, शुगर 3 है, हाफ कंटेंट इज ट्रांसफर बैक टू द सेकंड कंटेनर। अब इसका आधा कंटेंट सेकंड कंटेनर में डाल दिया, सेकंड कंटेनर में ऑलरेडी मिल्क 4 है, शुगर 2 है, ऑलरेडी मिल्क 4 है, शुगर 2 है, ठीक है, ऑलरेडी मिल्क 4 है, शुगर 2 है। अब इसका आधा मिल्क 4, शुगर 6, तो इसका आधा कितना जाएगा, मिल्क और शुगर, 4 में से आधा मिल्क उधर चला जाएगा तो 2 मिल्क बचेगा, शुगर में से 3 मिल्क उधर, शुगर में से 3 शुगर उधर चली जाएगी तो यहां पर 3 शुगर बचेगी। अब वहां पे मिल्क और शुगर पहले से कितना था, 4 और 2, 4 में से 2 मिल्क इधर आ गया है और 6 में से 3 इधर आ गया है, ठीक है, तो हमारे पास मिल्क कितना आ गया, 6, शुगर कितना हो गया, 5, मिल्क हो गया 6, शुगर हो गया 5। देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकंड कंटेनर, सेकंड कंटेनर में शुगर सिरप और मिल्क का, तो शुगर सिरप और मिल्क का रेशियो 5:6 आने लग रहा है, शुगर सिरप और मिल्क का रेशियो 5:6 आने लग रहा है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चंस ये इस तरह का क्वेश्चन फ्रैक्शन में चला जाता है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन क्या चला जाता है, फ्रैक्शन में चला जाता है, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मैंने देखा ऑलरेडी वो हाफ फील्ड है, वो हाफ फील्ड है, पहले कंटेनर का आधा कंटेंट हाफ वो, फिर सेकंड कंटेनर का आधा कंटेंट हाफ ये, फिर नेक्स्ट हाफ, हाफ हाफ हाफ, और ऑलरेडी भी वो हाफ फील्ड थे, तो हाफ कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। हाफ का मतलब क्या होता है, बाय 2, 2 का पावर 4 16, तो इनिशियल क्वांटिटी इसलिए 16 माना था मैंने, इनिशियल क्वांटिटी से मैंने 16 माना था। यहां पर हम फ्रैक्शन से बच गए, हमें फ्रैक्शन का यूज नहीं करना पड़ा, ठीक है, यहां पे हम क्या हो गए, फ्रैक्शन से बच गए, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ठीक है। वो दूसरा क्वेश्चन होता है भाई जयदीप वगैरह, वो दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन नहीं होता, वो दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जरा, कितने हो गए, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, तो कितने हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, एंड दिस इज अवर 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा आप लोग, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन है अपना, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन लगा कि जो पढ़ने के बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते थे एग्जाम में, कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जो हम पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं कर सकते थे, अरे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है ये, रीड तो कर लो, पहले ही डर जाते हो। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस यूज होगा, ठीक है, हाँ, मतलब पाइथागोरस जो थ्योरम होता है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए आपको, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, पहली बात तो ये, ठीक है।
इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, उसको हम लोग हाइपो बोलते हैं। तो हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। सो देर आर ऑल्सो सम ट्रिपलेट्स जिनको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। देर आर ऑल्सो सम ट्रिपलेट्स जिनको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं, लाइक अगर मैं हाइपो को 5 ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर को 3 ले लेता हूँ, बेस को 4 ले लेता हूँ, तो इट विल सेटिस्फाई। एंड ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके मल्टीपल्स भी सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 5 × 2 = 10 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, तीसरा मल्टीपल 15 होता है, 6 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, 4 टाइम्स करो 20 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। सो ऑल दीज वैल्यूज विल सेटिस्फाई एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। सो बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोग ये आई थिंक ये चीज पाइथागोरस थ्योरम क्लास 6 या 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी पता होने चाहिए थे, तो अगर ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इजी था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में काउंट करना चाहिए, बट मैंने डाल दिया, मैंने कहा चलो अर्थमेटिक में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू शिप्स मीट मिड ओशियन, ठीक है, एंड देन वन शिप गोज टू साउथ एंड अदर शिप गोज टू वेस्ट। अपने रेफरेंस के लिए डायरेक्शन मान लो, ये नॉर्थ है यहां पर, ये साउथ है यहां पर, ठीक है। हाँ अबे यार ये तुरंत नीचे चला जाता है, ठीक है। हाँ मान लो यहां पर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, बस आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मिड ओशन पे दो शिप्स मिलती हैं, देन वन शिप गोज साउथ, एक शिप साउथ की तरफ जा रही होती है, ठीक है। हाँ एक शिप साउथ की तरफ जा रही होती है, ठीक है, एंड अदर शिप गोज वेस्ट, दूसरी शिप वेस्ट की तरफ जा रही होती है, ठीक है, दूसरी शिप वेस्ट की तरफ जा रही होती है, ठीक है। बोथ ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, उनकी कुछ कॉन्स्टेंट स्पीड है। कॉन्स्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों की स्पीड सेम है, बहुत बार कहीं बच्चे गलती कर देते हैं, कहते हैं दोनों की स्पीड सेम है, इसका यह मतलब नहीं है। बोथ ट्रेवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, उनकी अपनी अपनी कुछ कॉन्स्टेंट स्पीड होगी। 2 hours later they are 60 km apart, 2 hours बाद उनके बीच में 60 km का डिस्टेंस है, 2 hours बाद, 2 hours later they are 60 km apart, ठीक है, 2 hours later they are 60 km apart, ठीक है। तो पहले वाली शिप मान लो ये है इधर शिप 1 और ये यहां पर शिप 2 है, ठीक है। अभी जो मैंने रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर ये पॉइंट लिए थे, इनको मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे पता लग गया साउथ किधर है और नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। 2 hours बाद, 2 hours लेटर दे आर 60 km अपार्ट, इनके बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, 60 km का डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 60 km का। इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज 6 km पर आर मोर देन द अदर शिप, ठीक है, एक शिप की जो स्पीड है वो 6 km पर आर ज्यादा है दूसरे शिप से, ठीक है। मान लो शिप 1 की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आर है, ठीक है, सो शिप 2 की जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस 6 km पर आर, x प्लस 6 km पर आर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप्स इज 6 km पर आर मोर देन द अदर वन, इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप्स इज 6 km पर आर मोर देन द अदर, then the speed in kilometer per hour of the slower ship, slower ship कौन सी होगी, slower ship ship 1 होगी ना, क्योंकि इसकी speed x है, इसकी speed x plus 6 है, तो slower ship कौन सी होगी, x वाली होगी, ship 1 होगी, ठीक है। अब खुद बताओ ये यहां पर मिले थे, क्या ये right angle triangle नहीं बनता दिखाई दे रहा है क्या आपको। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, ये कहानी 2 hours बाद की है, तो इसकी स्पीड यदि x किलोमीटर पर आर है, इसका मतलब क्या है, x किलोमीटर पर आर यानी कि 1 hours में x किलोमीटर, तो 2 hours में उसने इस वाली शिप ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, स्पीड यदि x है, टाइम 2 है, तो कितना डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, ये 2x डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इसने, 1 hours में x प्लस 6 करती तो 2 hours में कितना करेगी, 2x प्लस 6 डिस्टेंस कवर करेगी, ये बात समझ में आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहां पर, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर, ठीक है, ये काम आप लोग कर सकते हो, लेंथी पड़ेगा, मैं होता तो शायद कभी ना करता, तुम कहोगे सर आप खुद तो कर नहीं रहो, हमें क्यों बता रहे हो। मैंने अभी आपको ट्रिपलेट बताया था 3, 4, 5, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपो होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपो। यहां पर हाइपो कितना है, 60 है, क्या मैं 5 से 60 बना सकता हूं, क्या बिल्कुल बना सकता हूं 12 से मल्टीप्लाई करके, तो इसका भी हर एक का मल्टीप्लाई होगा 12 से, अभी मैंने बताया था। अगर 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स हैं तो उनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होंगे, 12 × 3 बनेगा 36, 4 × 12 बनेगा 48, ये बनेगा 60, ठीक है।
ये कितना आ रहा है 2x plus 12 आने लग रहा है ना, this is 2x plus 12. अगर ये वाली शिप 2x डिस्टेंस कवर कर रही है तो ये 2x plus 12 डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि पहले वाली शिप से 12 किलोमीटर ज्यादा. देखो जो ये वाला 48 है ये 36 से 12 ज्यादा है क्या? जो 48 है वो 36 से 12 ज्यादा है क्या? बिल्कुल है. ये कितना कर रहा है 60 तो था ही है. तो ये 60 है, 2x का वैल्यू होगा यहां पर 36 और ये आएगा 48. 2x का वैल्यू यदि 36 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा. यानी कि उसकी स्पीड कितनी आ गई स्लोअर शिप की? 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दो घंटे में यदि स्लोअर शिप 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो एक घंटे में कितना करेगी? 18. तो जितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट एक घंटे में कवर करता है उसी को तो उसकी स्पीड बोल दी जाती है. जैसे इसने एक घंटे में 18 किया तो 18 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. ठीक है, क्लियर है क्या ये? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जल्दी बताओ जरा, इज इट क्लियर? दिस क्वेश्चन वॉज टोटली बेस्ड. हां मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर ऐसे करोगे तो बर्बाद हो जाओगे ना यार. 4x का होल स्क्वायर ये बर्बादी की निशानी है. ठीक है, ट्रिपलेट्स बैकबोन है. ठीक है, ज्योमेट्री में ट्रिपलेट्स बैकबोन है, ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. या ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस वन इज लिटरली वेरी अमेजिंग क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था. अब तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस किए. ठीक है, अब तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस किए. ये वो 6 क्वेश्चंस थे जो एक्चुअल में भी एग्जाम में करके आने चाहिए थे अर्थमेटिक के. अब स्पीड ब्रेकर आपको पता है हर जगह होते हैं. कैट में 22 क्वेश्चन आते हैं बट हमें 22 के 22 तो सॉल्व नहीं करने होते ना 99 परसेंटाइल या उससे लाने के लिए. पता है ना ये चीज आप लोगों को. ठीक है, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन अगर आप 13-14 क्वेश्चन भी ठीक कर दोगे तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. तो उन 8 क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे, उनमें से ये वो 6 क्वेश्चन मैंने पहले कराए जिनको हमें करना था. बाकी कर हम और भी सकते थे, जैसे ये क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, इससे अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, बट उनको हम एग्जाम में विदाउट एनी ब्रेक उनके तो करने के लिए हमें सोचना ही नहीं था बिल्कुल भी. ठीक है, ये वाला देखो जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस वन गाइस, इसको ट्राई करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, कर सकते थे, ऑप्शंस भी पुट कर सकते थे सिंप्लीफाई करके. चलो भाई, घंटी ऐसे बज रही है ना जैसे स्कूल में छुट्टी होती थी. ठीक है, इसी तरह से बज रही है घंटी, है ना. देखते हैं जरा कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया, कितने लोगों ने गलत बताया.
चलो देखो जरा, अब ये क्वेश्चन हो सकता है जैसे कुछ इस तरह की मैं कभी पूछ लेता है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज वाले क्वेश्चंस को हमें देख के थोड़े डर जाते हैं, मतलब ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में हम भी डर जाते हैं, मैंने कहा यार नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ ले यार, कौन निकालेगा, कितनी वैल्यूज निकाल लेगा कोई, ठीक है, तो थोड़ा सा डर रहता है। बट मैंने आपको बताया ना, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने जरूरी नहीं है, बट ये कॉल हमें बहुत जल्दी लेना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें करना था और ये क्वेश्चन हमें नहीं करना था। ये वाला जो कॉल है ना कि हमें ये क्वेश्चन करना था और ये क्वेश्चन नहीं करना था, ये वाला कॉल हमें बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो, एवरेज ऑफ अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब समझते हो ना क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब समझते हो ना क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग मतलब उस वो सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो सीक्वेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वो है नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स A1, A2 अप टू AN इज 300, मतलब उसमें N नंबर्स हैं, तो उनका जो एवरेज है वो 300 है। तो पहला नंबर आया A1, दूसरा नंबर आएगा A2, तीसरा नंबर आएगा A3, ऐसे लिखते 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 हम लोग AN तक पहुंच गए, ठीक है। तो टोटल देर आर N ऑब्जर्वेशंस, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम मैंने निकाल लिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, n है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है ना, ये तो दिया था पहली लाइन में, एवरेज ऑफ अ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स a1 अप a1 से लेके an तक इज 300। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an तक का जो सम आएगा वो आएगा 300n आएगा, ये आएगा ना सम, जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। हाँ चलो, ये आएगा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ध्यान रखना, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि उस सीक्वेंस में सारे नंबर इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। इफ a1 इज रिप्लेस्ड बाय 6a1, यदि a1 की जगह में रिप्लेस कर देता हूं 6a1 से, न्यू एवरेज बन जाता है 400, न्यू एवरेज बन जाता है 400, यदि मतलब न्यू एवरेज 400 बन जाएगा। यदि A1 की जगह मैंने 6 टाइम्स ऑफ A1 लिख दिया, A1 की जगह मैंने यदि 6 टाइम्स ऑफ A1 लिख दिया, बाकी सारे नंबर्स तो एज इट इज आएंगे ना, बाकी सारे नंबर्स तो एज इट इज आएंगे AN तक, नीचे भी हमारे पास N ऑब्जर्वेशंस आएंगी, बट एवरेज कितना हो जाएगा 400, तो N इंटू 400 इधर आ जाएगा 400N। ये बात समझ में आ गई आप लोगों, जरा मुझे बताओ, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, यहां तक की बातें क्लियर है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, ठीक है। अब तक मेरी ये दो इक्वेशन बनी, पहले A1 था, अब A1 को 6A1 से रिप्लेस कर दिया, तो एवरेज 400 हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उतनी ही है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज करी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चेंज नहीं करे। आई एम सबट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस गाइस, मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, 6A1 में से A1 जाएगा तो 5A1 बचेगा, तो यहां से आ जाएगा 5A1, A2 से A2 गया, A3 से A3 गया, ऐसे AN से लेके AN तक कट जाएगा, 400N में से 300N गया, तो कितना आएगा उधर, 100N आएगा, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया, 5A1 is equals to 100N, एक रिलेशन आ गया 5A1 is equals to 100N, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, 5A1 is equals to 100N। अब मुद्दा ये है कि इस रिलेशन को यूज कैसे किया जाएगा, अभी रिलेशन तो आ गया 5A1 is equals to 100N, हमसे किसकी पॉसिबल वैल्यूज पूछी है, A1 की पूछी है क्या, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1, A1 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो A1 कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आने लग रही है क्या, ये बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही है, A1 की पॉसिबल वैल्यूज मुझे बतानी है। अभी रिलेशन आया 5A1 is equals to 100N, इसको काट दो जरा यहां से, तो A1 का वैल्यू आ जाएगा 20N, A1 का वैल्यू आ जाएगा 20N, A1 सिर्फ कोई एक टर्म है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, बात ध्यान रखना, इसका जो बेसिक फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो मत भूल जाना, जो इस क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मेट है वो मत भूल जाना, ये याद रखना कि a1 क्या है और n क्या है, a1 क्या है और n क्या है, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं, a1 बराबर 20n है, तो यहां पर आपको जो गेम खेलना है ना, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, A1 की, तो आप A1 की कोई वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते, लॉजिक लगाओ भाई, जब मुझे पूछा जा रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1,
तो आप A1 को कोई वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, N को पुट करो जरा, ठीक है। अगर मैंने मतलब यहां पे रिलेशन बना लो N और इधर A1, इधर N और A1, N को मैंने 1 लिया, N को मैंने 1 लिया, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 1 लिया मैंने, कि एक ही ऑब्जर्वेशन था, जस्ट इमेजिन, N को 1 लेने का मतलब समझ रहे हो कि सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। N अगर 1 है तो A1 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, A1 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, N को 1 लेने से A1 20 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया तुम्हें कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक है तो A1 का वैल्यू 20 आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज कितना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज कितना था, 30 था। अरे भाई, जब मेरा वैल्यू सिर्फ A1 का वैल्यू 20 आ रहा है, N को 1 लेने पे A1 का वैल्यू 20 आ रहा है, तो एवरेज 300 कैसे आ सकता है, एवरेज 300 कैसे आ सकता है, बात समझ में आई क्या तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बेसिक रिलेशन है वो क्या बोलता है कि A1 प्लस A2 ऐसे लिखते लिखते AN तक अगर जाएंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमें कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। इसमें अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरा एक है तो N को 1 पुट किया, 300 इंटू 1 1 बन जाएगा, इधर सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। क्या 20 300 के बराबर होता है, क्या नहीं होता है, तो A1 बराबर N को 1 हम पुट नहीं कर सकते, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है, ये वैल्यू हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी। अब मैंने N को 2 पुट किया, N को 2 पुट करता हूं तो 20 इंटू 2 कितना आता है, 40 आता है, A1 का वैल्यू 40 आ रहा है N को 2 पुट करने पर। थोड़ा लॉजिकली सोचो, N को 2 पुट किया, ठीक है, 2 300 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 600, जिसमें से A1 कितना आ रहा है, 40, तो A2 कितना होना चाहिए, 560 होना चाहिए, तभी इन दोनों का सम 600 बनेगा। क्या ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, 40 के बाद 560, पहला नंबर A1 दूसरा नंबर A2 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये वैल्यू मैं लूंगा, ये वाली वैल्यू मैं लूंगा, बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं लूंगा। N को 2 रखने पर यदि मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 ले रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 है तो A1 का वैल्यू 40 आ रहा है, तो N को मैंने 2 पुट किया तो 2 into 300 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, A1 का वैल्यू 40 आया था, N को 2 रखने पर A1 40 है, तो A1 और A2 का सम 600 है, तो A2 will be 560। क्या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बिल्कुल है, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, ये जरूर ध्यान रखना कि वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। चलो ऐसे ही N को 3 लेके देखो, N को अगर मैं 3 लेता हूं तो 300 इंटू 3 900 बनेगा, A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, ठीक है, तो A1 60 आ रहा है प्लस A2 प्लस A3, N को 3 लिया, 300 इंटू 3 कितना होता है, 900 होता है ना, तो A2 प्लस A3 का सम यहां पर कितना आने लग रहा है, 840 आने लग रहा है, 840 को हम लोग इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आराम से ब्रेक कर सकते हैं हम, 460 प्लस 440 बोल सकते हैं, ये भी तो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है, ये भी हमारे लिए पॉसिबल है, यानी कि इनको 3 भी ले लिया हम लोगों ने, पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर कब तक ऐसे, कब तक करते रहोगे आप, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा ही करता रहूंगा एग्जाम, मुझे 40 मिनट इस पे थोड़ा ही बितानी है, तो अब थोड़ा दूर दूर वैल्यू नहीं शुरू कर दो, क्योंकि 1 पे सेटिस्फाई नहीं है, 2 पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है। अब अगर आप पैटर्न बना पा रहे हो ना, अगर आप पैटर्न बना पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा, ठीक है, अगर आप पैटर्न बना पा रहे हो तो आपको लग रहा होगा यहां पर, ठीक है, अगर आप पैटर्न बना पा रहे हो तो आपको दिख गया होगा यहां पे कि क्या चल रहा है, ठीक है। ये वाला सम क्योंकि N जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मल्टीप्लाई उधर होगा, N को अगर मैं 4 रखूंगा तो 1200 बनेगा, N को 4 रखने पर A1 आएगा 80, बाकी के नंबर्स को इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आराम से लिखा जा सकता है, तो 4 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लूंगा तो 1500 बन जाएगा, 5 लेने पर ये कितना बनेगा, 100 बनेगा, बाकी सीक्वेंस बन जाएगी, सीधा 10 तक चलता है। अगर मैं 10 लूंगा तो देखेंगे कोई चेंज आ रहा है क्या, N को अगर मैंने 10 लिया, N को अगर 10 लिया तो 200 बनेगा, ठीक है, 200, A1 का वैल्यू 200, 10 लिया तो उधर कितना आ जाएगा, 300 into 10 3000 आ जाएगा, तो A1 प्लस बाकी के नंबर्स इधर आ रहे हैं 3000, और A1 कितना आ रहा है हमारे पास यहां पर, 200 आ रहा है, तो बाकी के 9 नंबर्स को इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आराम से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, 15 लेंगे, 15 थोड़ा सा आगे करने के लिए इसको,
अगर हम 15 लेते हैं, इसको n को 15 लिया, 15 इंटू 20 कितना आएगा, 300 आएगा। n को 15 लो, ठीक है, n को 15 लो, a1 का वैल्यू 300 आ रहा है, 15 लेने पे बात ध्यान रखना, a1 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, ये बात ध्यान रखना जरा, a1 का वैल्यू कितना आ रहा है n को 15 लेने पर, n को 15 लेने पर a1 का वैल्यू कितना आ रहा है, n को 15 लिया, ठीक है, 15 इंटू 20 300 आने लग रहा है, a1 का वैल्यू कितना लग रहा है, 300 आने लग रहा है, ठीक है, तो 300 प्लस 15 4500 आएगा, ठीक है, तो बाकी की जो सीक्वेंस आएगी हमारे पास क्या आएगी, 315 नंबर है, तो 300 इंटू 15 4500 होता है ना, 300 इंटू 15 4500 होता है ना, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 300 इंटू 15 कितना होता है, 4500 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 15 के 15 नंबर 300 होंगे इस वाले केस में, 15 के 15 नंबर 300 होंगे इस वाले केस में, जो हमारे पास 15 लेके, जब मैं इनको 15 ले रहा हूं ना, तो A1 का वैल्यू 300 आ रहा है और 15 की 15 ऑब्जर्वेशंस का सम आ रहा है 4500, इसका मतलब ये है अगर आपको इनको नॉन डिक्रीजिंग पैटर्न में रखना है तो सबको इक्वल रखना पड़ेगा, नॉन डिक्रीजिंग में इक्वल वाले चल जाएंगे, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि डिक्रीज नहीं होने चाहिए बस, ठीक है, इक्वल वाले और बढ़ते वाले चल जाएंगे, इक्वल वाले और बढ़ते वाले चल जाएंगे, तो 15 पे इक्वल आ रहा है, यहां से बढ़ना शुरू हुआ था, यहां पे इंक्रीजिंग आ रहा था, बट यहां पे आके रुक गया, यहां पे सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हो गए, तो सीक्वेंस इसके बाद अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस आनी शुरू हो जाएगी, जैसे आप एन को 16 लोगे ना, इसके बाद सीक्वेंस डिक्रीजिंग आनी शुरू हो जाएगी, अगर एन को 16 लिया, जस्ट इमेजिन अगर एन को 16 लेते हैं तो 16 ऑब्जर्वेशंस, 300 इंटू 16 कितना आएगा हमारे पास, 4800 आएगा, और A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 320 आ रहा है, 320 पहला नंबर है, क्या बाकी सभी नंबर्स का सम करो, बाकी 15 नंबर्स का, क्योंकि टोटल 16 नंबर है ना ये, क्या इनका सम 4800 आ जाएगा क्या भाई, अगर सबको इक्वल भी करोगे ना तो तब भी 320 इंटू 16 ज्यादा आएगा इससे 4800 से, तब भी 4800 से ज्यादा आएगा, ठीक है, तो दिस इज द लिमिट, ये लिमिट है, स्टार्टिंग यहां से हुई 2 से और 15 तक गए, स्टार्टिंग 2 से हुई और हम लोग 15 तक गए, ठीक है, स्टार्टिंग 2 से हुई है और हम लोग 15 तक गए, ठीक है, तो देयर आवर 14 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, ठीक है, मतलब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जब इसको सोचोगे ना घर बैठे, मैं यहां कितना भी गला फाड़ दूं, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा था जो कि कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा जो कि कितना आ रहा था, 14 आ रहा है, 2 से लेके 14 तक, A1 की जो वैल्यूज है वो 2 से लेके 15 तक, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है, 1 पॉसिबल नहीं है और 15 के बाद वाली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 1 पॉसिबल नहीं है और 15 के बाद वाली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से जरा, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, इसको ट्राई करो आप लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बता दूंगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हुआ किसी से? नाउ दिस वन इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखते हैं जरा, ठीक है। 20 शायद 20 सही आंसर है। फाइव स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अमित अपियर फॉर एन एग्जामिनेशन, ठीक है, अमित को इंक्लूड करके पांच लोग और आए थे वहां पर। मान लो अमित को ए से डिनोट करता हूं, तो बी सी डी ई ये वो पांच लोग हैं, ऐसे ही मान लिया मैंने, ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। इन विच पॉसिबल मार्क्स आर इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 50, जो पॉसिबल मार्क्स आ सकते हैं वो 0 से 50 के बीच में आ सकते हैं, बोथ इंक्लूसिव। द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इज 38, पांच स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एवरेज 38 है, एवरेज 38 है पांच लोगों का, तो सम ऑफ मार्क्स कितना आएगा? सम ऑफ मार्क्स यहां से आएगा, उनके मार्क्स के सम को एसएम से डिनोट कर रहा हूं, 190 आएगा। इन पांचों के जो मार्क्स का सम है वो 190 है, यही तो बोला जा रहा है। पांच लोगों का एवरेज यदि 38 है तो उनके मार्क्स का सम कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है? एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32, देर आर एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 32 मार्क्स, जिनके 32 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। इफ नो स्टूडेंट्स गॉट द सेम मार्क्स एंड अमित गॉट द लीस्ट मार्क्स अमंग द फाइव स्टूडेंट्स, देर आर एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 32, इनमें से तीन लोग ऐसे हैं जिनके एग्जैक्टली 32 से ज्यादा मार्क्स आए, मोर देन 32 मार्क्स, एंड किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स नहीं आए हैं। मतलब हम ये नहीं बोल सकते जैसे अमित के कुछ मार्क्स आए तो बी के भी उतने ही होंगे, ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग मार्क्स होंगे। एंड अमित गॉट द लीस्ट मार्क्स, अमित के जो मार्क्स हैं वो लीस्ट हैं अमंग द फाइव स्टूडेंट्स, इन पांचों में सबसे कम किसके आए हैं? अमित के। देन द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट पॉसिबल मार्क्स फॉर अमित, अमित का हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स क्या है और लोवेस्ट पॉसिबल मार्क्स क्या है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो पहले निकालते हैं अमित का हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स क्या है। अमित का यदि हाइएस्ट पॉसिबल मार्क्स निकालना है, यदि मुझे इस वैल्यू को हाइएस्ट निकालना है, ठीक है, इस वैल्यू को यदि हाइएस्ट निकालना है तो हाइएस्ट बोल सकता हूं ना मैं, क्योंकि देर आर एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 32, तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 32 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो अमित ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कितना ला सकता है? 31 ला सकता है। अमित ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट 31 ला सकता है ना, क्योंकि 32 से ज्यादा वाले तीन है, 32 से ज्यादा वाले तीन है, ठीक है, हाईएस्ट ज्यादा 31 ला सकता है ना, ये इससे ज्यादा ला ही नहीं सकता ये, ठीक है, खुद सोचो जरा, क्योंकि इन चारों में से तीन लोग ऐसे हैं जिनके एग्जैक्टली 32 से ज्यादा है। सम 190 होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, सम 190 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन चारों का सम मिला के मान लो इसको 31 लिया, इसको 32 लिया, अब ये जो एग्जैक्टली तीनों लोग आने लग रहे हैं इनका सम 32 से ज्यादा ना चाहिए। एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 32, तीन बच्चे ऐसे हैं कि 32 से ज्यादा आए हैं, तो कोई एक 32 वाला तो हो सकता है ना। अमित को 31 ले लिया, अमित की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 31 है, अमित की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी 31 है, हम अमित को 32 भी नहीं ले सकते क्योंकि 32 से ज्यादा वाले तीन हैं, टोटल पांच लोग हैं, 32 से ज्यादा वाले तीन, एक को 32 दे दो तो अमित का जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हो सकता है वो 31 हो सकता है। ये बात समझ में आई क्या? अमित का जो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हो सकता है वो 31 हो सकता है। इन तीनों को तो 32 से ज्यादा स्कोर मिल, दे दो यहां पे, जैसे हम बांटना है बांट दो, और इसको मैंने दे दिया 32, तो हाईएस्ट पॉसिबल जो स्कोर अमित का है वो 31 है। लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर कितना आ सकता है अमित का? लोवेस्ट, अगर अमित को लोवेस्ट बनाना है तो बाकी सबको, अगर अमित को लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर बनाना है तो बाकी सबको मैक्सिमाइज कर दो, तो मैक्सिमाइज करना ही है, तो मैंने इसको 50 दे दिया, मैंने इसको 49 दे दिया, मैंने इसको 48 दे दिया, कोई बात, किसी को दिक्कत है क्या? देर आर थ्री स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 32, ये वो तीन स्टूडेंट्स हैं, इसको मैक्सिमम 32 दे सकता हूं मैं। सम बताना जरा कितना आ रहा है, ये आएगा 80 और 50 कितना होता है 130 और 41 79 आने लग रहा है, 190 में से 179 चारों का स्कोर, तो इसका लोवेस्ट कितना आने लग रहा है, इसका लोवेस्ट कितना आने लग रहा है, 11 आने लग रहा है, इसका लोवेस्ट कितना आने लग रहा है, 11 आने लग रहा है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों, इसका लोवेस्ट कितना लग रहा है, 11 आने लग रहा है, ठीक है। बी को 32 लिया मैंने दोनों केसेस में,
दोनों केसेस में मैंने बी को 32 ही लिया है मेरे भाई रितेश भट्ट, दोनों केसेस में मैंने बी को 32 ही लिया है, ठीक है। हाँ, तो बी 32 है, इन तीनों को मैंने मैक्सिमम कर दिया, मान लो ई के 50 है, इसके 49, इसके 48 है, बी 32 है, क्योंकि इट इज क्लियरली इवन, एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32, तो सिर्फ तीन को ही 32 से ज्यादा दूंगा मैं, सिर्फ तीन लोगों को ही 32 से ज्यादा दूंगा मैं, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, सिर्फ तीन लोगों को ही 32 से ज्यादा दूंगा मैं, बाकी लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है, सिर्फ तीन लोगों को 32 से ज्यादा दूंगा, क्लियर है क्या बात, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, जरा यहां से बताओ मुझे, ठीक है। अब इसने डिफरेंस पूछा था हमसे, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉसिबल, तो हाईएस्ट 31 है, लोवेस्ट 11 है, हाईएस्ट 31 है, लोवेस्ट 11 है, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को, देख लो जरा यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या, जरा मुझे बताओ यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या, जल्दी बताओ समझ में आने लग रही है बात, चलो बस, तो ठीक है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20 हमारा आंसर, एंड कितने क्वेश्चंस हो गए ये कितने क्वेश्चंस हो गए जल्दी से बताना जरा, कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आठ क्वेश्चंस हो गए, तो स्लॉट वन कैट 2022 स्लॉट वन कैट 2022 में अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस थे, ये बात ध्यान रखो, अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास, आठ। नेक्स्ट टॉपिक एलजेब्रा करें या ज्योमेट्री करें, नेक्स्ट टॉपिक एलजेब्रा करना है या ज्योमेट्री करना है, एलजेब्रा करना है ज्योमेट्री करना है, नहीं नहीं पूरा पेपर नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक होना था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या करें, एलजेब्रा करें या ज्योमेट्री करें, तो एलजेब्रा की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी ट्यूसडे में होगी 12 बजे, नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी ट्यूसडे को होगी 12 बजे, ठीक है, जो अपकमिंग ट्यूसडे है 12 बजे क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग कैट 2022 के स्लॉट वन में एलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करेंगे, तो मुझे मेरे हिसाब से ये भी 7-8 क्वेश्चंस हो रहे होंगे, ठीक है, 6-7-8 क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो कि ट्यूसडे को 12 बजे होगी, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे को यूट्यूब रहेगा, बाकी के दिन स्पेशल क्लास रहेगा, ठीक है, चलो, विल सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू शेयर दीज सेशंस, इन सेशंस को शेयर कर लीजिए, और अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज QA Prep by Udit Saini, ये QA Prep by Udit Saini is the name of my Telegram channel, यहां पर आपको इन सेशंस का लिंक मिल जाया करेगा, ठीक है, बाकी जो फ्री सेशंस होते हैं उनका भी लिंक मिल जाएगा, सो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एंड ये हमारे पास नेक्स्ट क्लास में एलजेब्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर ज्योमेट्री कर लेंगे, इस तरह से करेंगे, तीनों स्लॉट्स कवर करना है अपन लोगों को, ठीक है, पता तो लग जाएगी क्या आया था एग्जाम में, तो आउट ऑफ दीज 8 क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है इन 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस हम लोग इजीली कर सकते थे, 6 क्वेश्चंस हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे इन 8 क्वेश्चंस में से, ठीक है, तो पेपर चलो ठीक है, चले गाइस, बाय गाइस, टेक केयर, बाय।